Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, today I would like to discuss about English idioms and proverbs. So friends, shall we start the class? So friends, मैंने यहाँ पे जो टॉपिक को नाम दिया है English idioms and proverbs. ये इसका पार्ट थर्ड है, राइट फ्रेंड्स? सो फ्रेंड्स, हमारी डेली लाइफ में यदि हम अच्छे idioms का और proverb का यूज करते हैं तो आपकी इंग्लिश में जो आप बोलते हैं उसमें थोड़ा इफेक्ट दिखता है. उसी के लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छे से इडियम्स लाया हूं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो फ्रेंड्स, जो पहला इडियम्स है हमारा या प्रोवर्ब्स है, राइट, बीट अबाउट द बुश. बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है हिंदी में घुमा फिरा कर बातें करना. बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा कर बातें करना. किसी की आदत होती है कि बहुत घुमा फिरा कर बातें करता, उसके लिए जो हमारी प्रोवर्ब है बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा कर बातें करना. सो फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल देखिए, प्लीज गेट टू द पॉइंट, राइट. प्लीज गेट टू द पॉइंट मीन्स प्लीज कम टू द पॉइंट, मुद्दे पे आइए. डोंट बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें मत करो, मीन्स घुमा फिरा कर बातें मत करो. प्लीज गेट टू द पॉइंट, प्लीज कम टू द पॉइंट, मुद्दे पे आओ, घुमा फिरा कर बातें मत करो, इसका मतलब है बीट अबाउट द बुश, राइट फ्रेंड्स? होपिंग आप लोग समझ रहे होंगे. नेक्स्ट, कम टू लाइट. कम टू लाइट का मतलब होता है प्रकाश में लाना या सामने आना, राइट. किसी का कोई झूठ है या कोई मिस्टेक है तो एकदम सामने आ जाती है, उस चीज के लिए हमारे पास जो इडियम है कम टू लाइट मीन्स पता लगाना या सामने आना. फॉर एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, यहां पे एवरी लाइट कम्स टू लाइट वन डे और द अदर. हर एक झूठ एक ना एक दिन, एक ना एक दिन के लिए बोलते हैं वन डे और द अदर, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है. एवरी लाइट कम्स टू लाइट, हर एक झूठ एक ना एक दिन सामने आ जाता है मीन्स पता लग जाता है. फाइन ओके फ्रेंड्स, आई होप आप समझ रहे होंगे कि एवरी लाइट कम्स टू लाइट वन डे और द अदर मीन्स हर एक झूठ एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है. नेक्स्ट इडियम में फ्रेंड्स, यहां पे कैच रेड हैंडेड. कैच रेड हैंडेड मीन्स रंगे हाथों पकड़ना, रंगे हाथों पकड़ना, राइट. रंगे हाथों पकड़ना के लिए बोलते हैं कैच. कैच मीन्स पकड़ना, रेड हैंडेड मीन्स रंगे हाथों पकड़ना. सो फ्रेंड्स, कोई चोर है, किसी ने कोई गलती, किसी कोई गलत काम किया तो रंगे हाथों पकड़ने के लिए हम बोलते हैं कैच रेड हैंडेड. सो फ्रेंड्स देखिए यहां पे द थीफ, फॉर एग्जाम्पल द थीफ वॉज कॉट, कैच की सेकेंड फॉर्म कॉट रेड हैंडेड. चोर रंगे हाथों पकड़ा गया, चोर रंगे हाथों पकड़ा गया, राइट फ्रेंड्स? आई होप आप समझ रहे होंगे. नेक्स्ट इडियम है फ्रेंड्स हमारे एट द 11th hour, एट द 11th hour मीन्स अंतिम क्षण में, मीन्स आखिरी वक्त में कोई काम पोस्टपोन हो जाता है या कोई चीज ऐसी चीज हो जाती है यार वो अंतिम क्षण में हो जाती है, आखिरी वक्त में कोई डिसीजन लेना, उस चीज हमारे पास जो इडियम्स है यहां पे एट द 11th hour. सो फॉर एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड, रवि पोस्टपोन्ड हिज ट्रिप एट द 11th hour. रवि ने अपनी यात्रा अंतिम वक्त में, रवि ने आखिरी वक्त में अपनी यात्रा क्या कर दी, स्थगित कर दी मीन्स पोस्टपोन कर दी मीन्स अंतिम क्षण में, कि रवि पोस्टपोन हिज ट्रिप एट द 11th hour, कि रवि ने आखिरी वक्त में अपनी यात्रा समाप्त या फिनिश कर दी मीन्स स्थगित कर दी, पोस्टपोन कर दी. रवि पोस्टपोन्डेड हिज ट्रिप एट द 11th hour, कि रवि ने आखिरी वक्त में अपनी यात्रा पोस्टपोन कर दी, राइट फ्रेंड्स? और लास्ट इडियम्स है फ्रेंड्स हमारा कीप पेस विद. कीप पेस विद का मतलब होता है हिंदी में कदम से कदम मिलाना, कदम से कदम मिलाना या साथ चलना, राइट. सी ऑलवेज कीप्स पेस विद टाइम. सी ऑलवेज कीप्स पेस विद टाइम, वह हमेशा समय के साथ चलती है, राइट. वह हमेशा समय के साथ चलती मीन्स कदम से कदम मिला के चलती है, राइट फ्रेंड्स? नेक्स्ट
एग्जाम्पल है फ्रेंड्स हमारे यहां पे स्लो डाउन, स्लो डाउन, आई कांट कीप पेस विद यू, कि कृपया धीरे चले, या स्लो डाउन इज धीरे चलो, आई कांट कीप पेस विद यू कि मैं आपके कदम के कदम मैं आप आई कांट कीप पेस विद यू कि स्लो डाउन धीरे चलो, मैं कदम से कदम नहीं मिला सकता, मीन्स मैं आपके साथ कदम से कदम नहीं मिला सकता, स्लो डाउन मीन्स धीरे चलो, आई कांट कीप पेस विद यू कि मैं आपके कदम से कदम नहीं मिला सकता, राइट फ्रेंड्स, आई होप आप समझ रहे होंगे, बिल्कुल स्मॉल वीडियो था। सो फ्रेंड्स यदि आप इस वीडियो की स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। सो दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसी के बगल में बेल आइकन उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, बिकॉज जो भी नई वीडियो बनेगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। सो फ्रेंड्स कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना न भूलिएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन नाइस मीटिंग टू यू, थैंक यू वेरी मच एंड कीप प्रैक्टिसिंग।